हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, घटना सार, करंट अफेयर्स, डेली करंट। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आरबीआई ने सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपए के लाभांश को मंजूरी दी है। तो देखिए, 22 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष या लाभांश के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2023 में हस्तांतरित अधिशेष से लगभग 141% अधिक होने के साथ साथ अब तक की किसी वित्तीय वर्ष के लिए दिया गया सर्वाधिक लाभांश है। यह लाभांश मुनाफे के तहत में वित्त वर्ष 2024-2025 के अंतरिम बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए की बजटीय आंकड़े से अधिक है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश भी शामिल है। और यह निर्णय आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के अध्यक्ष में मुंबई में आयोजित आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक के दौरान लिया गया है। इसके बाद देख लीजिए, वित्त वर्ष 2024 के लिए अधिशेष हस्तांतरण का निर्धारण आरबीआई द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे द्वारा किया जाता है, जो डॉक्टर बिमल जलान की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आधारित है। समिति ने आरबीआई की बैलेंस शीट 6.5 से 5.5% के दायरे में आकस्मिक जोखिम बफर बनाए रखने का सुझाव दिया था। लेखा वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद सीआरबी को 5.50 पर बनाए रखा गया। इसके बाद देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि में तेजी आने के साथ सीआरबी को बढ़ाकर 6.00% कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इसे और बढ़ाकर 6.50 कर दिया गया, जो अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाता है। आरबीआई प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को अधिशेष आय हस्तांतरित करता है, जो निवेश डॉलर भंडार के मूल्यांकन में उतार चढ़ाव और मुद्रण शुल्क से प्राप्त राजस्व में उत्पन्न होती है। उच्च लाभांश केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2025 के सकल घरेलू उत्पाद में 5.1 के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है और सरकार के लिए अधिक खर्च करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए, बढ़ी हुई सीआरबी प्रतिभूतियों को मूल्यह्रास या मौद्रिक विनिमय द्वारा नीति जोखिमों से उत्पन्न अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए आरबीआई की क्षमता सुनिश्चित करना है। आरबीआई अधिशेष हस्तांतरण रिजर्व बैंक अपने रिजर्व और प्रतिनिर्धारित आय के लिए प्रावधान करने के बाद अधिशेष को सरकार को हस्तांतरित करता है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत आरबीआई अधिशेष को हस्तांतरित करता है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार न्यूयॉर्क शहर 2024 वैश्विक सूचकांक में शीर्ष पर है। इसके बाद लंदन, सैन जोन्स यूएसए दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े 1000 शहरों में 350वें स्थान पर है, 350वें स्थान पर है और सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय शहर बनकर उभरा है। सूचकांक के अनुसार दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहर 2003 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 60% और वैश्विक आबादी का 30% से अधिक हिस्सा होगा। इसके बाद देखिए, यह सूचकांक 163 देशों में स्थित 1000 शहरों का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करेगा। सूचकांक के लिए इन शहरों का मूल्यांकन 5 विभिन्न श्रेणियों में 27 संकेतों के आधार पर करता है, जिनका अलग अलग महत्व है, जो इस प्रकार है: अर्थशास्त्र 30%, मानव पूंजी 25%, जीवन की गुणवत्ता 25%, पर्यावरण 10%, शासन 10%। सूचकांक ने इस शहरों को विभिन्न देशों में वर्गीकृत किया, जो इस प्रकार है: उत्तरी अमेरिका, फिर इसके बाद एशिया यूरोप, मध्य अमेरिका और कैरिबियन और मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, उप सहारा अफ्रीका। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए 86 पूर्वी यूरोप, मध्य यूरोप 107, दक्षिणी एशिया 137, पूर्वी एशिया 205 और ओशनिया 12। 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष 10 शहर 4 महाद्वीप है। तो देखिए, न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है, लंदन कहाँ है, यूके में है, सैन होजे यूएसए में, टोक्यो कहाँ है, जापान में है, पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है, सिएटल कहाँ है, यूएसआर में है। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, सूचकांक से 5 भारतीय शहर कौन है, इसके बाद दिल्ली है, बेंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई है, कोच्चि है। इसके बाद देख लीजिए, वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश
वैश्विक शहर सूचकांक में 2024 में उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर शहर 1000वें स्थान पर है। वर्ष 2024 की रैंकिंग में कोई भारतीय शहर शीर्ष 300 में जगह नहीं बना सका। अगला देखिए UNDP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 28 मार्च 2024 को वैश्विक स्तर पर जारी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार समूचे विश्व में 83 मिलियन लोग भूख से लड़ रहे हैं। इसके बाद देखिए वर्ष 2022 में विश्व भर में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद किया गया। रिपोर्ट के अनुसार खाने की बर्बादी में अमीर और गरीब देशों में कोई भी पीछे नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार गांव की तुलना में शहरी लोग ज़्यादा खाना बर्बाद करते हैं। इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि गांव के लोग एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खा लेते हैं, इसके अतिरिक्त बचा हुआ खाना वह अपने पालतू जानवरों को खिला देते हैं। मुद्रा मूल्य में देखा जाए तो यूएन ने पर्यावरण कार्यक्रम की इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वन ट्रिलियन डॉलर का खाना बर्बाद किया गया है। भारतीय रुपये मूल्य में 84 लाख करोड़ रुपए के बराबर था। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बर्बाद किया गया 1.05 बिलियन टन खाना खाने के लिए उपयुक्त उपलब्ध खाने का 1% था। रिपोर्ट के अनुसार बर्बाद किए गए 1.05 बिलियन टन खातों का 60% अर्थात 63.1 करोड़ टन खाना परिवार द्वारा, 29 करोड़ टन फूड सर्विस द्वारा, 13 करोड़ टन खाना रिटेल सेक्टर द्वारा नष्ट किया गया। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति 79 किग्रा खाना बर्बाद किया गया। गरीब देश में वर्ष के दौरान बर्बाद किए गए खाना के प्रति व्यक्ति 72 किग्रा था। इसके बाद देखिए भारत के संबंध में वर्ष 2024 की इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि देश में भूख से प्रभावित जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक होने के बावजूद भी भारतीय परिवार में 78.2 मिलियन टन खाना बर्बादी करते हैं। इस प्रकार देश में प्रति व्यक्ति 55 किग्रा खाना प्रति वर्ष बर्बाद किया जाता है। इसके बाद देखिए भारत में भोजन की बर्बादी शहरों की तुलना में गांवों में कम इस रिपोर्ट में बताई गई है। वर्ष 2022 में दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी सबसे कम भूटान में, इसके बाद सबसे अधिक मालदीव में की गई है। तो देखिए दक्षिणी एशियाई देशों में 2022 में भोजन की प्रति व्यक्ति बर्बादी सबसे ज़्यादा मालदीव में, इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद अफगानिस्तान। भारत इसके मामले में 55। अगला देख लीजिए वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यात और आयात रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण व्यापार में आई शिथिलता का प्रभाव भारत के विदेशी व्यापार पर भी पड़ा है, जिसे बीते वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यात या आयातों दोनों में ही वृद्धि ऋणात्मक दर्ज की गई है। सेवा के क्षेत्र में निर्यातों को 4.39% वृद्धि के चलते भारत का कुल निर्यात पूर्व वर्ष 2022-23 के रिकॉर्ड स्तर से मामूली ही अधिकार रहा। 2023-24 की भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े वाणिज्यिक मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2024 को जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत के कुल निर्यात 776.6 अरब डॉलर के रहे हैं, जो पूर्व वर्ष 2022-23 की तुलना में 0.04% अधिक है। 2023-24 में देश की वस्तुएं सेवाओं के कुल आयात 854.80 अरब डॉलर अनुमानित किए गए हैं, जो कि पूर्व में 2022-23 में 898.01 अरब डॉलर के आयातों की तुलना में 4.8% कम है। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के संयुक्त व्यापार में भारत का व्यापार घाटा 2022-23 में 78.12 अरब डॉलर कर रहा है। वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत के कुल वस्तुगत निर्यात 437.06 अरब डॉलर आयात और 677.24 अरब डॉलर के रहे हैं। वर्ष 2022-23 में क्रमशः 451.07 अरब डॉलर, 715.97 अरब डॉलर की थी। इस प्रकार वस्तुगत निर्यातों में जहां 3.11% की गिरावट 2022-23 में दर्ज की गई, वही आयातों में गिरावट 5.41 की है। इसे 2023-24 के दौरान वस्तुगत व्यापार घाटा 240.17 अरब डॉलर कर रहा है और पूर्व वर्ष 2022-23 में व्यापार घाटा 264.90 डॉलर था। वाणिज्यिक मंत्रालय के इन अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत के गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण निर्यात 320.21 अरब डॉलर की थी, जो पूर्व में 2022-23 में यह 315.64 अरब डॉलर की थी।
2023-24 के दौरान भारत के गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण आयात 422.80 अरब डॉलर की हुई है, जो 2022-23 में 435.54 अरब डॉलर की थी। इस प्रकार गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न और आभूषण आयात में कुछ कमी 2023-24 में हुई। सेवाओं का विदेशी व्यापार, वाणिज्यिक मंत्रालय के इन अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत की सेवाओं के निर्यात में 339.62 अरब डॉलर की व आयात 177.56 अरब डॉलर की रहे। इन आंकड़ों में मार्च 2024 के दौरान हुई सेवाओं के निर्यात आयात के आंकड़े आरबीआई के अनुमान पर आधारित है। वस्तुतः आंकड़े आने पर इनसे संशोधन किया जाएगा। इन सेवाओं के व्यापार में 162.05 अरब डॉलर का अधिक भारत को 2023 में प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए मैं 10 मिनट का आपका करंट का वीडियो बनाता हूं। तो डेली का डेली आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।